ई फार्मेसी से दवा बिक्री के खिलाफ ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। 28 सितंबर को इंदौर में सभी 2,500 दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन के लोग वाहन रैली के रूप में संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे। द इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि विरोध में सभी थोक व खेरची दुकानें शामिल रहेगी। मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए गुरुवार शाम तक ही आवश्यक दवाइयां खरीदने की अपील की जा रही है। हम पहले भी कई बार अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 28 सितंबर को इंदौर शहर की सभी दवाई की दुकानें बंद रहेगी। किसी प्रकार की जनता को असुविधा नहीं हो, इसलिए मेरी जनता से, इंदौर की जनता से निवेदन है कि जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उसे आज ही खरीद लें, जिससे किसी प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत ना हो। श्री जैन ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल खुले तौर पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन अधिनियम की धारा 18C के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें बिना किसी वैध लाइसेंस के दवा की बिक्री या वितरण या स्टॉक का संग्रहण ऑफर करने पर रोक होती है। कल पूरे भारत के 8.5 लाख केमिस्ट, मध्य प्रदेश के 40,000 केमिस्ट और इंदौर के लगभग 4,000 केमिस्ट ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर ई फार्मेसी के विरोध में अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार दवा की ऑनलाइन बिक्री से न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य को भी जोखिम रहेगा। हमने जिम्मेदारों को ज्ञापन दिया, पर सुनवाई नहीं हुई।